अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या आप मुसलमान को मुसलमान ही हराने जा रहे हैं? ऐसा कहना गलत साबित न होगा। सभी जानते हैं कि यूपी का चुनाव जल्द होने जा रहा है और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें भी उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व के लैब के तौर पर यानी कि प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा, सपा, कांग्रेस और खास नाम MIM भाजपा के मुकाबले कहिए या फिर भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी कोशिश कर रहे। अब मुसलमानों के पस मंजर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में ही निशाने पर है और भारत में सबसे ज्यादा मदारिस, मस्जिदें, इदारे, तंजीम जो अपने आप को मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए होने का दावा करती है। इसे यूपी में अब ताज्जुब कहिए या ये अलमिया है कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने मौलानाओं को पाल रखा है। अब इसे क्या कहा जाए जबकि सभी जानते हैं कि दुनिया के बड़े मदारिस भी इसी यूपी का हिस्सा है। खैर, अब जब सियासी सरगर्मियां जारी है और सीधे सीधे इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है योगी के दौर में मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन जिन्हें हम दीनी रहनुमा या जिम्मेदार समझते हैं आज भी किसी एक बात पर इत्तफाक या राय नहीं रख पा रहे और यही सच्चाई है। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को वोट करने की बात कही तो मौलाना सलमान नदवी ने MIM को वोट करने की बात कही। मौलाना महमूद मंदी साहब ने टीवी चैनल को मुलाकात में अपनी राय पेश करते हुए कहा कि मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। अब तो तकरीबन सियासी पार्टियों ने अपने अपने मौलाना नुमा शख्स रखे हुए हैं क्या, ऐसा सवाल भी जहनों में आना लाजिम है। और जब भी मुसलमानों से वोट की अपील करनी होती है इन्हें पेश पेश रखा जाता है। अब यूपी की मौजूदा हालात पर क्या तबसरा किया जाए जबकि किसी एक पार्टी के हक में वोट देने के लिए हम मुत्तहिद हैं ही नहीं। जब मुसलमानों पर जुल्म सितम की दास्तान रकम की जा रही है, योगी खुलेआम मौलानाओं को ज्यादा अहमियत ना देने की बात कहता है, मुस्लिम खवातीन पर तंज करता है, मुस्लिम नाम इन्हें गुलामी का एहसास दिलाने की बात करते हुए मुगलों के नामों को तब्दील कर अक्सरियत हिंदुओं की हिमायत हासिल करना चाहता है, इसके बावजूद भी तमाम मुसलमान एक पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट नहीं दे सकते। इससे बढ़कर अफसोस का मकाम क्या हो सकता है। ऐसे वक्त में दिगर रियासतों में भी इसका असर देखा जा सकता है। अब जब मौला सज्जाद दुमानी साहब ने MIM के सदर असुद्दीन ओवैसी को 100 जगहों पर सीटें ना बिठाने की बात कही तो ओवैसी की हिमायतों ने मौला सज्जाद दुमानी पर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। वही SDPI ने ओवैसी पर तंज करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए SDPI को वोट देना जरूरी है की बात कही। मतलब किस हद तक मुंतशिर होते ये मुस्लिम माशरा देखा जा सकता है। क्या तमाम पार्टियों के दीनी जिम्मेदार जिनका मुस्लिम माशरे में रसूख है क्या आज भी एक जगह पर मिल्लत के फलाह बहबूदी की खातिर नहीं आना चाहते? फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं हमारे दरमियान इत्तेहाद हो सकता है जब अपने आप को जिम्मेदार समझने वाले ही किसी एक फैसले पर आना नहीं चाहते या फिर सियासी पार्टियों से इन्हें इतनी मोहब्बत है कि हर फर्द अपनी पार्टी को जिताने की फिराक में है और सोच रहा है। क्या यूपी जहां से इक्तदार की कुर्सी हासिल होने की बात कही जाती है 5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान दुनिया के बड़े दीनी मदारिस हैं जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई होती है, क्या मिल्लत की खातिर एक फैसले पर आ नहीं सकते? जब अपने आप को बड़े इल्मी सियासी माहिरीन समझने वाले ही एक फैसले पर नहीं आ सकते तो क्या उम्मत का निचला तबका जो जहालत में मुलविस है आखिर क्या सबक सीख सकता है? लिहाजा गुजारिश है जब मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कही जा रही है, जेनोसाइड वॉच ने तो आलमी सतह पर भारत के मुसलमानों के बारे में सोचने की हिदायत देते हुए बहुत बड़े खून खराबे के अंदेशे का डर जाहिर किया, लेकिन भारत के मुसलमान और इनके दीनी सियासी रहनुमाओं को इसकी कोई परवाह नहीं है क्या? ऐसा सोचने पर हर मुसलमान नजर आ रहा है, कोई कांग्रेस तो कोई सपा, बसपा तो कोई MIM, SDPI, मतलब जो जिस पार्टी के नजदीक है इसकी तरफदारी में लगा हुआ है। जाहिर है इसका नतीजा वही होगा जो इससे पहले देखा गया है। योगी ने वैसे भी मुस्लिम मुगल शनाकत की पहचान को खत्म करने की धमकी दी हुई है, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि कोई अपने आप को कांग्रेसी तो कोई अपने आप को समाजवादी, कोई बहुजन समाज हैदराबादी पार्टी का समझ रहा है। योगी और फिरका परस्त पार्टियों को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिरका परस्त की जीत से संविधान कमजोर हो जाता है, जहां हर धर्म भाषा के लोगों को बराबर का हक यही संविधान देता है। वही ये संविधान मुखालिफ लोग भाई भाई को अलग कर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहेंगे, धर्म की आड़ में गरीबों के हक मारे जाएंगे जैसा हमने मौजूदा हुकूमतों में देखा है। मुल्क का संविधान इस मुल्क के हर शहरी की हिफाजत की जमानत है। लिहाजा मुस्लिम मौलानाओं से गुजारिश है कि सियासी पार्टियों की हमायत खुले मंच से करने से पहले 100 बार सोचे क्योंकि आज भी दीनी रहनुमाओं पर आवाम भरोसा करती है। जब अलग अलग मौलाना अलग अलग पार्टियों को वोट देने की बात करेंगे तो आवाम उलझन में आ जाती है। भले ही मसला हल न कर सकते हो लेकिन मसले को और भी ज्यादा मुश्किल ना करो। सभी जानते हैं कि किस नाजुक दौर से उम्मत गुजर रही है, जहां से भी आवाज आती है उम्मत का बड़ा तबका उम्मीद से देखता है। अब अगर
अपने आप को इल्मी रहनुमा समझने वाले ही अलग अलग बयान देने लगेंगे तो आवाम वैसे भी हकीकत से दूर है, उसकी सुबह शाम दो वक्त की रोटी में गुजरती है, सियासी उलझने खमो पेची ने मालूम नहीं है। ऐसा ना हो कि अलग अलग बयान हमारे मुंतशिर होने की वजह ना बन जाए। आखिर ऐसी क्या बात है कि एक उम्मत बनने से सियासी पार्टियां रिकॉर्ड बन रही है? क्या हैसियत है सियासी पार्टियों की? लिहाजा दीनी रहनुमाओं पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाने की कोशिश करें। यही गुजारिश इत्तला आज के इस पैगाम से। पिछले कई दिनों से बेलगाम शहर की पानी सप्लाई मुलाजमीन की हड़ताल से मुतासिर हो चुकी थी, लिहाजा इसे वालमनों की जानिब से हड़ताल को पीछे लेने की इत्तला हासिल हुई। आज से अक्सर वालमन कामों पर फिर से हाजिर हो चुके, जिससे बेलगाम शहर की पानी की सप्लाई फिर से जारी हो चुकी। वाजा रहे कि पानी सप्लाई करने वाले मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफा, सरकारी सहूलतें, नौकरी को कायम करने को लेकर हड़ताल का ऐलान किया था, जिससे कई इलाकों में 15 दिन तक पानी नहीं मिला, कई जगहों पर एहतजाज भी किया गया। आखिर में पानी सप्लाई को फिर से जारी किया गया, जिससे शहर के अक्सर इलाकों का पानी का मसला हल हो चुका है। जहां हुकूमतें बदलने के इम्कान नजर आते हैं, तब पुलिस भी अपना रुख बदलने लगती है, क्या ऐसा कहा जाता है? यती नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हो या फिर कर्नाटक में ऋषि कुमार स्वामी को भी आज गिरफ्तार किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक कालीमठ के ऋषि कुमार स्वामी को श्रीरंगपट्टन के मस्जिद आला को गिराने की धमकी देने के जुर्म में आज गिरफ्तार किया गया। वैसे तो आजकल मुस्लिम इस्लामी तहजीबी इमारतों को निशाना बनाने का दौर जारी रखा हुआ है, कोई भी कुछ भी कह देता है, लिहाजा मनमानी बयान के इस दौर में आखिर ऋषि कुमार स्वामी को देर से क्यों गिरफ्तार किया गया समझ में नहीं आता। जो भी हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी हो या कर्नाटक हुकूमतें बदल सकती है, इसी पस मंजर में कार्रवाई भी हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। आरएसएस के हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुस्लिम नौजवान के कत्ल मामले को लेकर आरएसएस कारकुनान की अब गिरफ्तारी अमल में आई है। वाजा रहे कि आरएसएस के गुंडों की जानिब से समीर शाहपुर की नरगुंद में बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। इस वारदात के बाद नरगुंद में तनाव का माहौल देखा गया। समीर शाहपुर के जनाजे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत फरमाई और मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा पेश किया। आखिर में बहुत ही संजीदा मौजू पर तबसरा, आखिर क्या बात है कि कोविड यानी कोरोना से ठीक होने के बाद भी इंसानी जिस्म पूरी तरह से सेहतमंद नजर नहीं आ रहा और नहीं हो पा रहा। दरअसल ये मौजू हमने एक बड़े अखबार से लिया हुआ है, जिसमें इस बात का फिक्र का इजहार किया गया है कि वैक्सीन, बूस्टर और तमाम कोरोना की दवाइयों के बावजूद बजाय सेहतमंद होने के बीमार महसूस किया जा रहा है, और इस बात को भारत की सेहत महकमा ने भी पहली मर्तबा कबूल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद महीनों गुजर रहे हैं, लेकिन जो पहले वाली चुस्ती फुर्ती तो दूर की बात, हमेशा बीमार महसूस होने की शिकायतों में इजाफा होता जा रहा है। नवंबर 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% से भी ज्यादा लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां दाखिल हो चुकी है, जबकि वैक्सीन और बूस्टर भी दिए गए। उमूमन ये भी देखा जा रहा है कि मामूली खांसी बुखार नजला को भी कोरोना की ट्रीटमेंट देकर कुछ डॉक्टरों ने रुपये तो कमाए, लेकिन बाद में मरीज में थकावट, सांस की तकलीफ, सुस्ती, किसी चीज में दिल न लगना जैसे कमजोरी पाई जा रही है, और दिगर अमराज में दिल का दौरा बढ़ने की भी बात कही जा रही है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना इलाज के बाद ऐसे कई मरीज हैं जिनकी दिल के दौरे से मौत हो चुकी है, और भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने की बात कही जा रही है। इस पर WHO ने लॉन्ग कोविड मरीज कहा है, पर कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद मरीजों का इस कदर बेहाल हो जाना भी परेशानी का बास कहा जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम इस पर बोलने से कतराती नजर आ रही है ऐसा भी कहा जा रहा है। अब WHO के मुताबिक महज 10-15% इस तरह के मामले हो सकते हैं कहा गया, लेकिन हकीकत में कोरोना के बाद मरीजों में दिगर बीमारियों का दाखिल होने का मियार
काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है। कुछ लोगों के सीनों में जकड़, सीने में दर्द, तो कुछ बहुत ही कमज़ोर होने की शिकायत दर्ज कर चुके हैं। बेलगाम शहर में भी ऐसे कई लोग देखे जा रहे हैं जिनमें रोज़ाना कुछ ना कुछ सेहत के मसले से जूझते देखा जा रहा है। लोगों में इस तरह कोविड ट्रीटमेंट के बाद सेहत की बदलती तस्वीर यकीनन सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसे लेकर बड़ा तबका फिक्रमंद है। पर कुछ अंदर से परेशान तो है, लेकिन सेहतमंद होने का बर्ताव करते देखा जा रहा है, ये भी उतना ही सच है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।